हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लूटूथ कैसे खोला जाता है, इसका नट बिना कोई स्टिकर उतारे हुए, और इसको रिपेयर कैसे करें। दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, पहले मैं वो आपको बता दूँ। ये देखिए, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये कोई इसका जो बत्ती है वो जल नहीं रहा है और कुछ ये बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो तरीका है खोलने का है, पहले ये जान लें, सीख लें कि जैसे कि जिन जो नए दोस्त हैं उन दोस्तों को पता नहीं है किसको कैसे खोला जाता है। तो ये देखिए, ये जो थर्मोकोल लगा हुआ है, इसको आप लोग अगर नहीं पता है आपको खोलना, तो आप लोग इसको उखाड़ के तब खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका जो खोलने का तरीका है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस टाइप से खोलिएगा तो ये इसको निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं खोला हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको खोलने का जो तरीका है वो पहले सीख लें। तो दोस्तों, पहले आप इस तरह से ऐसे कीजिएगा और जहाँ नट है उसी जाइब में इसको स्क्रू ड्राइवर को घुसा के इसको देखिए इस तरह से हॉल करके तब इसको खोलिएगा। इस टाइप में खोलेंगे तो आपको इसको उतारना नहीं पड़ेगा, इसमें तीन नट लगा रहता है। मैं भी सेम उसी तरह से खोला हूँ, इसको ऐसे करके यहाँ पर नट था तो इसको इस तरह से ऐसे खोल दिया, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं इसका नट मैंने लूज कर दिया हूँ और ये निकल जाएगा, खुल जाएगा। तो थोड़ा और खोल देता हूँ। तो इस टाइप से आप इसको खोल लीजिएगा बिना इस थर्मोकोल उतारे। और ये बाहर आ चुका है, और उसके बाद में देखेंगे सर्किट को। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसका सर्किट को, और इसका जो पहले हम लोग को टेस्ट करना है वो क्या चीज़ चेक करना है, इसका वायर चेक करना है। कोई वायर टूटा तो नहीं है, कोई लूज तो नहीं है। ये देखिए, ये जो वाईफाई का जो वायर है ये लूज है, ये ढीला हो चुका है। तो ये देखिए, इसका जो ये है क्या बोलते हैं कनेक्टर, ये निकल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्क्रैच करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी जगह स्क्रैच करके इसको इसमें सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पहले स्क्रैच करके उसके बाद में आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। इसका जो जो वाईफाई का जो ये इसका जो एंटीना रहता है उसका वायर टूटा हुआ है, जिसके वजह से ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद लगाने के बाद पता चलेगा कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसको पहले बढ़िया से स्क्रैच कर लेता हूँ, उसके बाद में इसका इस पर सोल्डिंग कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है वो ही बाहर निकल चुका है। तो मैं इसको पहले इसको साफ करके इसको स्क्रैच कर लेता हूँ, उसके बाद इसका सोल्डिंग कर। दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसके बगल में ही इसका जो कनेक्टर है वहाँ मैं इसको थोड़ा स्क्रैच कर दिया हूँ, और इसका फिटिंग मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक बार सोल्डर लगा देंगे थोड़ा। तो दोस्तों, ये कनेक्ट हो इसका हो चुका है। अब दोस्तों, इसको चलिए ऑन करके देखते हैं कि ये ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये ऑन नहीं हुआ है। ये देखिए, इसका मतलब ये देखिए, इसका जो स्विच है ये स्विच इसका लूज है, जिसके वजह से ये इसका जो शोल्डर है ये थोड़ा लूज है, इसके वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसका शोल्डर है वो थोड़ा बढ़िया से लगा दूंगा। बढ़िया से शोल्डर मार दीजिएगा, जिसके का
ये देखिए ये ऑन हो गया लेकिन ये लूज हो गया, इसका मतलब ये स्विच है जो हम लोग का, ये जो स्विच ये ख़राब हो चुका है जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको प्रेस करके रखते हैं तब जाके ये काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। The Bluetooth device is ready to power. तो हम लोग इसका जो स्विच है वो चेंज करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉच हरी टेक्निकल।